जयपुर के ज्योतिनगर थाना प्रभारी सोनचंद वर्मा ने डीजीपी कपिल गर्ग को पत्र लिखते हुए स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर कार्यमुक्त करने की मांग की है। थानाधिकारी सोनचंद वर्मा ने पत्र में ड्यूटी ज्वाइन करने से लेकर अब तक मानसिक रूप से असहज महसूस करने की बात लिखी। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखते हुए अपने पद से कार्यमुक्त करवाने की मांग की। आपको बता दें कि थानाधिकारी सोनचंद वर्मा 5 मार्च 2019 से ज्योतिनगर में कार्यरत हैं और इसी दौरान बीच में डीजीपी कपिल गर्ग ने ज्योतिनगर थाने का डिकॉय भी किया था, जिसके बाद से सोनचंद की कार्यप्रणाली पर भी डीजीपी ने सवाल उठाए थे। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोनचंद ने स्वैच्छिक रूप से अपने कार्य से सेवानिवृत्त होने के लिए डीजीपी कपिल गर्ग से अनुमति मांगी है। और आपको बता दूं कि ज्योतिनगर थाना प्रभारी ने डीजीपी कपिल गर्ग को पत्र लिखकर अपनी कार्यरत से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति मांगी है। और इसी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, अब कुछ अलग लग रहा है कि जिस तरह से थानाधिकारी सोनचंद ये कह रहे हैं कि वो असहज महसूस कर रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर, सोनचंद की कार्यप्रणाली पर, जब डीजीपी कपिल गर्ग ने थानाधिकारी के पूरे काम को देखा था तब भी उनके काम पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, तो क्या कहा जाए? क्या उस सब को देखकर अब अपने स्वेच्छा से कार्यमुक्त होने की मांग की है? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ज्योतिनगर थाना पड़ता है जो सबसे वीआईपी जो इलाका पड़ता है वहां पर ये थाना स्थित है और यहाँ के जो प्रभारी हैं सोनचंद वर्मा, जो कि 5 मार्च 2019 को ये यहाँ पर अपॉइंट हुए थे और उन्होंने थाने का जो कार्यभार है वो संभाला था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर जो डीजीपी जो कपिल गर्ग है उन्होंने थाने का यहाँ पर औचक निरीक्षण किया था, डिकॉय ऑपरेशन किया था। डिकॉय ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर थाने में जो काफी अनियमितताएं पाई गई थी, रोजनामे समेत तमाम पत्रावलियों को लेकर के भी यहाँ पर डीजीपी जो कपिल गर्ग है उन्होंने भी एक लगातार सवाल उठाए थे और तमाम जो समस्त स्टाफ था जो वहां पर नजारत पाया गया था, ऐसे में जो लगातार जो डीजीपी की जो नजर थी थाने पर पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के मैं डेढ़ महीने बाद यहाँ पर जो डीजीपी ने जो निर्देश दिए गए थे उनकी आदेशों की यहाँ पर पालना को ये जो सीआई है जो एसएचओ है सोनचंद वर्मा वो कहीं ना कहीं संभालने में असमर्थ थे और उसी का नतीजा ये है कि आज जो सोनचंद वर्मा है उन्होंने डीजीपी को एक पत्र लिखते हुए और इसके अलावा जो डीजीपी साउथ है और एसीपी जो है अशोकनगर थाने का उनको भी यहाँ पर अपने लेटर से अवगत कराया है और एक लेटर देते हुए उन्होंने स्वैच्छिक रूप से यहाँ पर सेवानिवृत्त होकर के कार्यमुक्त होने की जो यहाँ पर है मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेटर के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि वो अपने 23 साल की नौकरी के दौरान उन्होंने उनको किसी भी तरीके से ना तो कोई नोटिस मिला है ना ही कोई उन्हें अभी तक सजा दी गई है। इन 23 वर्षों के दौरान राजस्थान पुलिस के सेवा में रहते हुए उन्हें ढेरों यहाँ पर रिवॉर्ड से नवाजा गया है, इसके अलावा प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है, लेकिन वो इस समय वर्तमान में ज्योतिनगर जो थाना है उसको संभालने में असमर्थ है, असहज महसूस कर रहे हैं, मानसिक रूप से वो बिल्कुल भी असहज नहीं है उसको संभालने में। ऐसे में ज्योतिनगर थाना पुलिस जो एसएचओ है सोनचंद वर्मा उन्होंने यहाँ पर डीजीपी को पत्र लिखा है और कार्य मुक्त होने की, स्वैच्छिक रूप से कार्य मुक्त होने की यहाँ पर मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डिकॉय जो ऑपरेशन किया गया था उससे कहीं उसको लेकर के कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव में थे, इसके अलावा डीजीपी की जो नजर थी कहीं ना कहीं थाने पर पड़ी हुई थी, तो लगातार जो दबाव जो महसूस कर रहे थे आज उसका नतीजा ये है कि दबाव के चलते यहाँ पर जो सोनचंद वर्मा है उन्होंने स्वैच्छिक रूप से यहाँ पर जो है उन्होंने ये कार्यमुक्त होने की मांग की है। फिलहाल इन सब बातों को बातों को लेकर के कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरह का उस पर प्रेशर बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई डिकॉय ऑपरेशन के बाद में उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे लगातार ज्योतिनगर थाने के ऊपर भी और सोनचंद वर्मा की कार्य प्रणाली को लेकर के माना जा सकता है कि वो दबाव में थे। उसी यादवेंद्र जी यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस पूरे मामले पर डीजीपी कपिल गर्ग क्या एक्शन लेंगे।